नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये एक्सरे बीवर एलईडी लाइट है और इसमें कुछ प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है और आप लोगों के साथ इसको प्रॉब्लम को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अदर जगह भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यानी ये है तो नॉर्मल चीज़, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी था और इसके जो कंपोनेंट थे उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको इसमें दिखाएंगे और बताएंगे। ये काफ़ी कई जगह पे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व किया, इसमें दिखा दे, इसे ऑन करके यहाँ से ये ऑन होगा, टच है। एक बार टच करेंगे ये ऑन होगा, फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेप में ब्राइटनेस और बढ़ जाएगा, फिर तीसरा में हाई हो जाएगा, फिर चौथे में बंद हो जाएगा। यानी ये थ्री स्टेप में इसकी लाइट जो है, यानी तीन पोजीशन होता है लाइट को कम ज़्यादा करने का। अब आपको दिखाते हैं, इसकी सर्किट बहुत छोटी सी है और लेफ़्ट और राइट में इसकी एलईडी लगी है और इसे काफ़ी थिन साइज में बनाया गया है। लेकिन आप इसे एक नाइफ़ के मदद से जो है इसे ओपन करके, जैसे यहाँ पर दिखा दें, ऐसे आप इसको जो है यहाँ से ऐसे थोड़ा सा उभारेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। और निकलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो सर्किट को, और यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे लगा था चार वो कनेक्टर, जो जैसे सैमसंग में लगता है चार्जिंग कनेक्टर, ऐसे यहाँ पे कनेक्टर यूज किया गया था जहाँ पे इसकी पावर अडाप्टर लगता है। तो प्रॉब्लम अभी आपको यहाँ पर दिखा दें, ये जैसे देखें हमने थ्री वायर आउट किया है यहाँ से, एक प्लस माइनस और यहाँ पर एक रेगुलेटर सप्लाई जो इस आईसी को जाती है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, ये हमारा जो रेगुलेटर फॉल्ट था, जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसका नंबर जो था वो उसका नंबर था 662K, यानी 662K। अब ये जो रेगुलेटर लगा है, अगर इस नंबर से मान लीजिए आपको ये दिख जाए फॉल्ट, तो आप कैसे इसको क्लियर करेंगे? जैसे कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हमने इसका जो सब्स्टिट्यूट निकाला है वो है इसका 3.3 वोल्ट। तो इसके जगह पे आप एक रेगुलेटर लगा सकते हैं जो कि SMD का है, अभी हम यहाँ पर हमने लगाया है। लेकिन उससे पहले हमने इसको 5 वोल्ट की सप्लाई, इस वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था, इसमें आपको कई चीज़ें समझने को मिलेगा कि जैसे इस टाइप के सर्किट अगर कहीं भी यूज होते हैं, मान लीजिए इसमें बैकलाइट के रूप में यूज किया गया है, लेकिन अदर जगह पे भी ये आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, तो उसका जो एक ऑप्शन हमने बताया है कि इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, या आप अगर मान लीजिए इस पर नंबर है, अगर नंबर नहीं हो तो कैसे इस चीज़ को डिसाइड करें? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, इसके आईसी की नंबर भी जो है रिमूव कर दी गई है, जिससे आपका इसका आईसी का नंबर भी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो है यहाँ 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, यानी दो सप्लाई यहाँ से हमने यूज किया है इसको चेक करने के लिए। जब ये सॉल्व हो गया है, तो सॉल्व होने के बाद जो है हमने जो है इसको अब यहाँ पर इससे ये क्लियर होता है कि जैसे हमको कोई सर्किट पे काम करना है या कहीं पे मान लीजिए कोई PCB है अगर फॉल्ट है, तो उसे अगर क्लियर करना है, यानी उसके IC की पोजीशन को, तो यहाँ पर देखें इस मल्टी बक कन्वर्टर का भी हेल्प आप ले सकते हैं। इससे भी क्लियर करके बाद में इसके जो सजेशन होते हैं या इसके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको आप यूज करके किसी भी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है इस रेगुलेटर का यूज किया है, तो इसके जगह पे आप इस रेगुलेटर को लगाकर वहाँ पे बड़े आराम से जो है इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं कि पूरा का पूरा जो है फेंकना पड़ता है। तो ऐसे सेंसिटिव डिवाइस के लिए रिपेयर करने का एक आइडिया ये था कि जिससे आपको यहाँ पर दिखा दें, ये है इसका जो है पैकेज और डिटेल, जो कि 200 mA पे ये काम करता है, 3.3 वोल्ट का सप्लाई आउट करता है। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखा देते हैं, इसका जो वोल्टेज है इसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यहाँ पर देखें, ये वोल्टेज फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये ऑफ है, फिर ये ऑन, फिर ये जो है सेकंड, फिर ये थर्ड।
अभी मैक्सिमम सप्लाई है जो इसका बैकलाइट का है, यहाँ पर दिखा दें, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इस एलईडी वाले पॉइंट पे 4.59 वोल्ट है। फिर यहाँ पर एक है जो इस साइड में बैकलाइट लगी हुई है, यहाँ भी जो है ये 4.5 वोल्ट, यहाँ पर देखें मल्टीमीटर में ये 4.5 वोल्ट है, फिर यहाँ पे 4.5 वोल्ट। अब इसको फर्स्ट स्टेप पे देखते हैं, ऑफ कंडीशन में देखेंगे तो ऑफ कंडीशन में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है 4.9 यानी 5 वोल्ट। अब यही यहाँ पर जो ये इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये इनपुट 4.93 है यानी 5 वोल्ट, फिर यहाँ पे ग्राउंड है, फिर ये इसका आउटपुट है जो कि 3.27 है, ये अलग एक वायर से दिया गया है, ये रेगुलेटर आईसी फॉल्ट है। और यही जो है यहाँ पर देखेंगे इस आईसी के पिन नंबर 3 पर दिया गया है, यानी 3 पे जो है 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। अब इस आईसी का ऑन करने पे जो वोल्टेज है ये देखें, फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर चेक करते हैं, इसको नेगेटिव यहाँ से कर देते हैं और ये है 2.5 वोल्ट। ठीक, फिर यहाँ सेकंड वाले स्टेप पे देखेंगे, ये है 2.55, ठीक है 2.5 वोल्ट। यानी अब यहाँ पे फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो रोशनी इसकी लाइट बढ़ती है, ये है ये, अब यहाँ पे इस समय इस कंडीशन में 3.1 वोल्ट और यहाँ पे भी ये 3.1 वोल्ट। फिर इसे मैक्सिमम पे करते हैं, अब ये वोल्टेज आपका 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, अब ये एलईडी जो लाइट इधर लगी हुई है इस स्ट्रिप की और इस स्ट्रिप की, यानी लेफ्ट और राइट साइड दोनों में बैक लाइट लगी हुई है, ये बंद हो गया ऑटोमेटिक। अभी इस आईसी के वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पिन नंबर 1 यहाँ से भी ऑन हो जाएगा टच करने पे, ये है पिन नंबर 4, जहाँ से ऐसे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएंगे तो ऐसे बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऑन हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पिन नंबर 1 से ऑन करके और पिन नंबर 1 पे देखें 3.6 वोल्ट, पिन नंबर 2 पे 0 वोल्ट, पिन नंबर 3 पे 3.3 वोल्ट, पिन नंबर 4 ग्राउंड, फिर पिन नंबर 5 ये बैक लाइट का हाई और लो ब्राइटनेस, फिर नंबर यहाँ पे 6 यानी 6 नंबर पिन पे 0 वोल्ट, फिर 7 नंबर पिन पे 0 वोल्ट, फिर 8 नंबर पिन पे 0 वोल्ट। ठीक, ये इसका वोल्टेज डिटेल है। यानी यहाँ पे जो है डायरेक्ट 5 वोल्ट होते हैं और फिर इसके बाद जो है ग्राउंड यहाँ पे होता है। इसमें एक कनेक्टर लगा है जो कि ये मोबाइल का, जैसे सैमसंग का कनेक्टर होता है मोबाइल फ़ोन का, जो चार्जिंग कनेक्टर ऐसे होता है यहाँ। अब हम यहाँ पे इसके कनेक्टर को चेंज करके और थोड़ा मॉडिफाई करके लगा देंगे, या तो हम यहाँ से इसका वायर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो या और दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से वायर भी निकाल सकते हैं, यानी आपका किसी भी तरीके से इसको चाहे तो अपने आइडिया से इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके वायर को निकाल कर इसका कनेक्टर लगा देते हैं। अभी इस डीसी कनेक्टर लगाने के बाद इसके रेगुलेटर को ओपन कर दिए, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमको जो है ये बड़ा वाला रेगुलेटर लगाना है 3.3 वोल्ट का। अब यहाँ पर
थ्री वायर यूज़ करेंगे और थ्री वायर यूज करके किसी तरीके से नीचे कुछ लगा के इसको जो है यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। ये अपने आइडिया से आप कुछ भी यहाँ पे लगा कर उसको फिक्स कर दें, क्योंकि इसकी जो थिन है यानी पतला है वो बहुत ही पतले साइज का बनाया गया है, जो कि इसका SMD जो है उसी बेस पे बैठाना है। और बिठाने के लिए जैसे हमने यहाँ पर थ्री वायर का यूज किया है, तो इसके नीचे एक हम प्लास्टिक पेपर या कुछ देकर यहाँ पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो है इसको जो है चिपका देंगे जैसे ये पहले था।